सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग कैरम पास बाय करने वाले हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइव प्रूफ। ठीक है, लाइव हम लोग अभी कैरम पास बाय करने वाले हैं। और यहाँ पे उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई मेरे पास भाई कितने सारे स्टैगर हैं, और आज भाई एक नया लेजेंडरी स्टैगर जो है वो ओपन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये ईपीआईसी लेजेंडरी ईपीआईसी स्टैगर है, और ये स्टैगर ओपन हो जाए तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा रैम्बो स्टैगर का, जो कि कुछ पॉइंट्स हम लोग को मिल चुका है और थोड़े ही बचे हैं। एक बार अगर आ जाएगा ना तो भाई वो हम लोग को मिल जाएंगे क्लियरली, और उसके बाद फिर हम लोग उस स्टैगर से गेम प्ले करेंगे। तो लोग यार यहाँ से बाय कर लेते हैं हम लोग जल्दी से पहले, ठीक है, कैरम पास को। और फाइनली यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हम लोगों ने जो है इस बार का कैरम पास जो है वो बाय कर लिया है। एंड यहाँ पे देखो अनबॉक्सिंग करते हैं एक एक करके, चलो भाई देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये गोल्डन शॉट ले लेते हैं और पहला बॉक्स गाइस, चलो भाई पहला बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कौन सा स्टैगर यहाँ पे ओपन होता है। और ये देख सकते हो गाइस फाइनली रैम्बो स्टैगर जो है हम लोग को मिल चुका है इस वाले बॉक्स में, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को। उससे पहले यार मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई के चैनल पर जो है गिववे चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आईडी का गिववे चल रहा है। तो जल्दी से जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, और जो जिस वीडियो में गिववे है उस वीडियो में जाके कमेंट करना और लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना भाई। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से भाई को 1000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट करा ही दो, जल्दी से जाओ भाई। जितने भी सारे लोग हैं जिसको भी गिववे में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जो भी विनर होना चाहते हो, आईडी वगैरह लेना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है भाई, उस आईडी को जल्दी से आप लोग ले सकते हो, गिववे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सो लो गाइस आते हैं हम लोग अपने गेम प्ले की वीडियो में। तो गाइस यार देखा आप लोगों ने, मैंने फर्स्ट बॉक्स जो है ओपन किया, उसी में जो है गाइस पहला लेजेंडरी स्टैगर हम लोग का ओपन हो चुका है। दूसरा बॉक्स ओपन कर लिया बट उसमें कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे भी अगेन से रिपीटेड स्ट्राइकर, ठीक है, रिपीटेड स्ट्राइकर बहुत ज़्यादा मिलते हैं यार, मतलब पता नहीं क्या सीन है। ठीक है, चलो यार आज एक तो स्टैगर खुल गया भाई, और देखते हैं भाई ये लास्ट वाला बॉक्स रहता है इसमें शायद ओपन हो जाए। ओके, और हाँ गाइस जिसको भी अपना चैनल प्रमोशन करवाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर मुझे पर्सनली जाके मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का चैनल का मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाया है, कम्युनिटी पोस्ट में कितना पैसा लगता है सारा चीज़ आप लोग को बता दूंगा। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करो, जिसको भाई प्रमोशन करवाना है वही मैसेज करना, और फ्री अवेलेबल नहीं है भाई, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलता कुछ भी भाई। ठीक है, तो आप लोग जाके कर सकते हो, जल्दी से जाओ टेलीग्राम में मुझे मैसेज करो, आप लोग अपना चैनल को प्रमोशन करवाओ भाई, जितने भी छोटे यूट्यूबर है कैरम पूल के। चलो भाई अब आते हैं गेम प्ले की बात। गेम प्ले भाई बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए आज की इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने गेम प्ले किया भाई भाई के साथ, ठीक है, और अभी अपलोड कर रहा हूँ। ओके, और देखो यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस रैम्बो स्टैगर हम लोग ओपन हो चुका है। उसके बाद जो ट्रेल्स है उसको ले लेते हैं, ये वाले ट्रेल धूम, ठीक है, लेजेंडरी ट्रेल धूम, लेजेंडरी ट्रेल, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अच्छा वाला पक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, जब गेम प्ले करेंगे तब मैं स्लो कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो गेम कनेक्ट हो चुका है हम लोग का, क्या नाम है भाई, गवार रमन, ठीक है, भाई के साथ गेम कनेक्ट हो चुका है। हेलो सर, ओके, हेलो भाई, अपने ही फैन है। एंड देखते हैं भाई उनके पास ब्रेक गई है, रियल बोल रहे हैं भाई, मतलब एक बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लियर भाई, यार बहुत ज़्यादा ही मैसेज कर रहे थे भाई यार, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहा था गेम प्ले के समय। ठीक है, तो यार जब आपके पास ब्रेक आते तो भाई आप गेम प्ले करो भाई, इससे टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो भाई, तो होता है भाई, मतलब थोड़ा बहुत होता है, पहला गेम प्ले में हो गया, अब दूसरा गेम प्ले में भी मुझे बार बार बोलोगे तो भाई ये तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। चलो पहला बार मिले हो यहाँ पे, चलो भाई थोड़ा बहुत चलता है, आप लोग से मैं बात भी कर लेता हूँ, फिर बात ना करूँ तो भाई घमंड, मुझे बोलोगे कि घमंडी हो आप, बात नहीं करते हो। ठीक है, तो पहला गेम प्ले में चलो भाई कर लेते हैं, उसको टॉप फाइव बोलता है भाई, वो भी खेल लेते हैं, क्योंकि भाई जब भी मैं जो है बड़े टेबल में खेलता हूँ, अगर मेरे पास सब्सक्राइबर आ जाते हैं, जो भी मेरी फैमिली है मेरे सब्सक्राइबर आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं उनके साथ भाई खेलूंगा ही खेलूंगा, अगर बड़े टेबल में गेम कनेक्ट हो जाता है तो। ठीक है, मैं खेलता ही हूँ भाई, किसी को मना नहीं करता हूँ, जो भी बोलता है कि बेस्ट ऑफ फाइव खेलना है या फिर बेस्ट ऑफ थ्री खेलना है तो मैं उनके साथ खेलता ही हूँ, अगर न्यूयॉर्क में या फिर सिंगापुर में या फिर मुंबई में कनेक्ट हो गया या फिर कायरो में, लेकिन वो होना चाहिए फेयर प्लेयर। ओके, बस इतना सा होना चाहिए, बस उसके बाद गेम प्ले भाई जितना करने बोलोगे उतना कर लेंगे। ठीक है, अगर फ्री रहा तो, लेकिन ज़्यादातर मैं खेल ही लेता भाई, किसी को मना नहीं करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली पक को थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे, ओपोनेंट की पक को साइड कर लिया। ओके, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन देखा भाई, लेकिन उल्टा यहाँ पे हम लोग का जो पक्स है वो फंस चुका है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वीन जो है वो थोड़ी सी फंस चुकी है, यहाँ से हम लोगों ने सोचा चलो यार क्वीन को थोड़ा रिलीज करते हैं, बट ओपोनेंट की पक से टच होकर जो है स्ट्राइकर हम लोग का क्वीन से ऊपर चली गई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ पे और एक कनेक्शन दिख रहा है ओपोनेंट की पक को लेकर। ठीक है, इस वाली पक्स को लेकर हम लोग खेल सकते हैं यहाँ पे,
ओपर इनके पक को टच करके, और यहाँ से भाई इजीली शायद मुझे लग रहा है पक्स रिलीज हो सकते हैं। और ये देखो अच्छे खासे रिलीज हो चुके हैं, और इसी से जो है पूरा बोर्ड क्लियर हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस वाले पक्स को कुछ इस तरीके से खेलेंगे ताकि क्वीन जो है वो रिलीज हो जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको फास्ट खेल लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो क्वीन जो है वो रिलीज हो चुका है। अभी क्या करेंगे, पहले क्वीन को स्लोली खेल लेते हैं। फिनिशिंग देखो गाइस, फिनिशिंग देखो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। और भाई मैं ही नहीं फिनिश करूँगा, सामने वाला जो ओपोनेंट है वो भी फिनिश करेगा, अपना जो फैन है, ठीक है। इसको खेलते हैं भाई लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से, और ये जो ये वाली जो पक्स है इसको भाई खेल लेंगे टॉप राइट साइड में कुछ इस तरीके से, और ये गेम फिनिश हो गया। ब्रेक टू फिनिश तो नहीं बोल सकते, फिनिश, ठीक है। ब्रेक टू फिनिश देखने को मिलेगा वो भी आगे में, आप लोग बस ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग रीमैच करते हैं अगेन से, क्योंकि भाई ने बोला था टॉप फाइव खेलेंगे, तो भाई खेलते हैं यार। यहाँ पे देखो ब्रेक मेरे पास आ चुकी है, देखो यार मुझे तो आदत है यार ये ब्रेक हिट करने का। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये गेम भाई पूरा कचरे तरीके से जाता है यार, मतलब क्या ही बोलो। और भाई यहाँ पे बार बार मैसेज कर रहे हैं भाई, चलो इस तरीके से खेल लेते हैं इसको। उसके बाद जो है वीडियो कब आएगी, इसको मैं बोलता हूँ वीडियो भाई आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको फास्ट खेलते हैं टाइम। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सोचने में टाइम लेने का भाई, जो ऊपर वाले पक्स इसको फास्ट खेलने का कोशिश किया ताकि पक्स रिलीज हो। तो मैं बोलता हूँ भाई अच्छे से गेम प्ले करने दो यार, मैं डिस्टर्ब होता हूँ भाई, कोई मैसेज करता है ना भाई, उसके सवाल का अगर आंसर नहीं देता हूँ तो मेरे ही मन के अंदर जो भाई कुछ ना कुछ होने लगता है। जब भी मेरे फैन के साथ मैच लगता है तो मुझे लगता है कि भाई सामने वाला ओपोनेंट क्या सोच रहा होगा, कि घमंड बढ़ गया, ऐसा होगा ऐसा, ठीक है। मैं ये सोच के भाई मतलब रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन डिस्टर्ब भी होता है ये गेम प्ले करते समय, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना करो यार, ज़्यादातर मैसेज क्या मत करो गेम प्ले करते समय, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत चलता है भाई, मतलब इतना भी नहीं कि भाई हर एक गेम में आप मैसेज करते जा रहे हो करते जा रहे हो भाई, तो गेम प्ले में डिस्टर्ब भी होता है, और मैं नहीं चाहता कि भाई आपको रिप्लाई ना मिले, ठीक है। चलो भैया ये गेम तो लेके चला गया अपना ओपोनेंट भाई, अपने सब्सक्राइबर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये इजी पक्स है, इसको फिनिश कर गए। चलो भाई नेक्स्ट गेम प्ले कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर से, क्योंकि बेस्ट ऑफ फाइव खेलने बोले थे, इसलिए मैं भाई के साथ खेल रहा हूँ, मना नहीं करूँगा भाई को, भाई फिर बुरा मान जाएंगे, ठीक है। जो भी मेरे साथ ब्रेटेबल में गेम कनेक्ट होता है भाई उसके साथ खेलता हूँ मैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, बट फेयर प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई के पास ब्रेक आ चुकी है, क्या ही ब्रेक टू फिनिश करता है, शानदार, ठीक है। तो भाई किसी का भी गेम हो अगर वो खेलते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको उसके जो है स्ट्राइकर का पोजीशन देखना चाहिए, फिनिशिंग देखना चाहिए कि किस तरीके से फिनिशिंग लग रहा है, पहले किस तरीके से ब्रेक हिट करना होगा, उसके बाद कौन सा पक्स को खेलना होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन सा पक्स को खेलना होगा, और कितना स्ट्राइकर पोजीशन में रख के खेलना होगा। अगर ये सारा चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो आप गेम में किसी भी गेम को ईजिली ब्रेक टू फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, और ये भाई प्रैक्टिस भी होता है, अगर सही तरीके से, जैसे अभी यहाँ पे खेल रहे हैं भाई, कितना स्ट्राइकर का पोजीशन है, कितना स्ट्राइकर को लेकर खेल रहे हैं, कौन से पक्ष को पहले खेल रहे हैं, कौन से पक्ष को बाद में खेल रहे हैं, तो अगर ये सब सीख जाओगे ना भाई तो ब्रेक टू फिनिश करना इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेड को खेल रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, और सारे के सारे पक्ष को रिलीज कर लिया भाई ने, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले इस वाली पक्ष को खेलते हैं, ओके, ये खेल लिया भाई ने, और उसके बाद दो पक्स जो कि थोड़ा सा हार्ड था बट सिंपल जा रही थी, बैलेंस के साथ खेलेगा तो भाई इजीली पॉकेट हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये भी बैलेंस के साथ, एंड पीछे वाली जो पक्स है वो भी बैलेंस के साथ, और यहाँ पे ओपोनेंट का पक्स को थोड़ा सा, सॉरी मेरा पक्स को थोड़ा सा साइड कर दिया, ऐसा लग रहा कि मैं गेम प्ले कर रहा हूँ उधर से, ठीक है, तो मैं उधर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। चलो भाई अब अपना गेम प्ले में आते हैं, जो मेरा गेम प्ले रहेगा, यहाँ पे फिर से रिमैच करते हैं भाई, अपना सब्सक्राइबर भाई ब्रेक टू फिनिश किया तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपन भी ब्रेक टू फिनिश करें, ओके। यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है मेरे पास, फिर से क्या करेंगे, अगेन हम लोग इनडायरेक्ट बैक ब्रेक जो है वो हिट करेंगे, ये वाली ब्रेक, ठीक है, जो कि मेरी फेवरेट ब्रेक है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या सोच रहे थे भाई, पहले उस ऊपर वाले पक्ष को खेलना चाह रहा था, बट नहीं भाई नीचे वाले पक्ष को खेलना है, इससे बहुत अच्छा खासा कनेक्शन बन गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से मैंने खेलने का सोचा था बट नहीं, यहाँ से पीछे वाले पक्ष को पहले खेलना है क्योंकि फंस सकती है बाद में, ये हो चुका है। बोर्ड क्लियर करेंगे, देखो किस तरीके से फिनिशिंग करेंगे, आप लोग बस फिनिशिंग देखो, ठीक है। उसके बाद इस वाले पक्ष को क्रॉस खेलेंगे फास्ट, ओके, कुछ इस तरीके से खेल लिया, एंड यहाँ पे ऊपर की साइड जो तीन चार पक्ष है वो फंस चुकी है, इस वाले पक्ष से इस वाले पक्ष को रिलीज करेंगे। अब ये जो पक्ष है लेफ्ट साइड की ओर पक्स है, उसको भाई कुछ इस तरीके से फास्ट खेलना होगा ताकि बीच में आके स्ट्राइकर लगे किसी भी पक्स को, या फिर स्ट्राइकर को पक्स को, ठीक है, किसी भी पक्स को लग जाए ना तो भाई टच हो जाए, तो यहाँ से रिलीज होने का चांसेस वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फाइनली यहाँ पे रिलीज हो गए हैं। तो अभी क्या करना होगा, क्वीन को लेकर ऊपर वाली पक्स को थोड़ा सा नीचे खींचना होगा या फिर रिलीज करना होगा उसको, ठीक है।
उसको बस टच करना होगा, लेकिन यहाँ पे पॉकेट हो चुका है सो इजीली ये ब्रेक टू फिनिश। आई होप आप लोग को ये ब्रेक टू फिनिश मेरा भी पसंद आया होगा। सो उसके बाद ये वाले सिंपल शॉट, इसको भी हम लोग ईजिली पॉकेट कर लेते हैं। ओके चलते हैं फिर भाई नेक्स्ट गेम प्ले की ओर, और देखो भाई नेक्स्ट गेम प्ले में होता क्या है। उसके बाद लास्ट वाला गेम प्ले वो भी मज़ा आएगा आप लोग को देखने में, वो भी ब्रेक टू फिनिश। ठीक है चलो भाई रिमैच कर लिया हम लोगों ने, भाई के पास ब्रेक आ चुका है, स्ट्रेट कट वाली ब्रेक है, कुछ इस तरीके से हिट किया भाई ने, सक्सेसफुली हिट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं भाई यहाँ पे करते क्या है। ओके यहाँ पे इस वाली पक्स को, ओके ये वाली पक्स, चलो भाई यहाँ पे भाई का आईडी ओपन कर दिया हूँ मैंने, देख लो आप लोग ठीक है जो चीज़ देखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई गेम प्ले किस तरीके से होता है और कैसे भाई की पक्स यहाँ पे फंस जाती है और भाई का शॉट मिस हो जाता है, आई थिंक फॉल हो जाता है, फॉल यार मुझे याद भी नहीं है क्या हुआ था, शायद फॉल हो जाता होगा। देखो आप लोग, हाँ यहीं पे फॉल हो जाता है भाई यहीं पे। ठीक है ये वाली शॉट भाई को बैलेंस के साथ और स्लो खेलना था, बट यहाँ पे फॉलो हो जाता है भाई, फॉल हो जाता है, फॉलो क्यों बोल रहा हूँ यार मैं भी, यार क्या बोले जा रहा हूँ। चलो भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से खेल लेते हैं। उसके बाद जो है इस वाली पक्स को थोड़ा सा टेढ़े तरीके से खेलेंगे ताकि यहाँ पे जो पक्स है वो रिलीज हो सके, एंड फाइनली रिलीज जो है वो हो चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ से पीछे वाली पक्स को बैलेंस के साथ खेलेंगे ताकि ऊपर वाली जो पक्स है उसको टच ना हो। ओके यहाँ पे भी हो चुका है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो गया था यहाँ पे, तो पहले इस वाली पक्स को पॉकेट करेंगे गाइस, ये बाद में फंस सकती है, लेकिन इसको पॉकेट कर लिया। उसके बाद जो है ये वाली जो पक्स है इसको फास्ट खेलेंगे, यहाँ से बीच वाली पक्स को रिलीज करने का ट्राई करेंगे और इजीली रिलीज हो चुका है। यहाँ से क्वीन को खेलेंगे कुछ इस तरीके से और ऊपर वाले पक्स को नीचे लाएंगे, एंड नीचे ला चुके हैं और ये भी गेम हम लोग का फिनिश। ठीक है इसके बाद जो गेम होने वाला है वो ब्रेक टू फिनिश होने वाला है। ठीक है तो पहले इसको कर लेते हैं पॉकेट, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट गेम प्ले मोर गेम प्ले की ओर, अगेंस्ट रिमैच करेंगे और उसके बाद गाइस 4 बजे आज 4 बजे अगेंस्ट मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। ठीक है बहुत तगड़ा वाला लाइव स्ट्रीम करूँगा आज भी, ठीक है मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। ओके सो यार फाइनली यहाँ पे गेम प्ले कनेक्ट कर लिए हम लोग, ब्रेक हमारे पास आ चुकी है, राइट साइड से ब्रेक हम लोगों ने हिट किया, एक पक्स पॉकेट हो चुकी है, क्या ही सुंदर ब्रेक टू फिनिश करते हैं गाइस। अगर ऐसा ब्रेक मिले आप लोग को तो ऐसे ही खेलना, पहले किस पक्स को खेलना चाहिए यहाँ पे देख लो, ठीक है कितना बैलेंस लगा करके खेलना चाहिए, इसको खेल लिया। उसके बाद जो है इस वाली पक्स को क्रॉस लगा करके खेलेंगे ये वाली शॉट कुछ इस तरीके से, और ये देखो भाई हो गया। ठीक है उसके बाद जो है इसको बैलेंस के साथ खेलना है थोड़ा सा फास्ट। ओके भाई यहाँ पे थोड़ा सा रिलीज कर लिया। उसके बाद जो नीचे वाली पक्स है भाई इसको पता नहीं क्या शॉट बोलते हैं, इसको फास्ट खेल लेते हैं यहाँ से ताकि ऊपर वाली पक्स जो है वो रिलीज हो सके, एंड यहाँ पे थोड़ी जाके फंस चुकी है भाई थोड़ी। ठीक है अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस कर देते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस के साथ यहाँ पे मुझे खेलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे पक्स फंसे हुए थे भाई रिलीज करना था उनको, क्वीन भी यहाँ पे नीचे फंसा हुआ था एंड राइट साइड की पक्स वो भी फंसी हुई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके का शॉट खेला और ईजिली जो है हम लोग का जो बोर्ड है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और हम लोग इसको ब्रेक टू फिनिश कर लेते हैं। सो आई होप यार आज का ये जो गेम प्ले वीडियो था, कैरम पास वीडियो था, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड भाई के चैनल पर गिव अवे चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाके भाई को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा ही जो है मज़ा आने वाला है आप लोगों को, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं आज का लाइव स्ट्रीम में 4 बजे। ठीक है तो मज़ा आने वाला है बहुत, 4 बजे आप लोग जरूर जुड़ना भाई, जरूर जुड़ना, और उससे पहले इस वीडियो को जिसने भी कंप्लीट देख लिया हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ही बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर गाइस, बाय।